हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट दीरिज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड दिस इज द लेक्चर वन सो लेट्स प्रोसीड सो वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर को हम ग्रेट वॉर भी कहते हैं एंड ग्लोबल वॉर भी कहते हैं उस टाइम इसको वर्ल्ड वॉर वन नहीं कहा जाता था क्योंकि नहीं पता था कि इतनी डेडलियस कंफ्लिक्ट हिस्ट्री के अंदर दोबारा होगी लेकिन राइट आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू हुई सो ये जो वर्ल्ड वॉर थी वन ये स्टार्ट थी, 28 1914 के स्टार्ट हुई हुई थी जुलाई के अंदर और आफ्टर जो है उसके बाद ये एंड हुई सो अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो थे वो कंट्रीज थे अब हमारे पास दो तरह के ग्रुप थे सबसे पहला था अलाइड ग्रुप और दूसरा था सेंट्रल पार्ट अलाइड ग्रुप के अंदर जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे वो था फ्रांस यूएसए रशिया ब्रिटेन एंड जापान जबकि सेंट्रल पार्ट के अंदर इंक्लूडेड था जर्मनी

मिलिट्रिज्मिलिट्रीज्म उस टाइम क्या हुआ कि क्योंकि ये समझा जा रहा था कि जिसकी आर्मी जितनी स्ट्रांग होगी वो उतने ही स्ट्रांग हो रहे थे तो उस टाइम जो थे वो कंट्रीज अपनी आर्म फोर्सेस को जो थी वो वॉर के लिए रेडी कर रही थी अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग थी वो इंक्रीज हो रही थी ज्यादा से ज्यादा जो जो मिलिट्री जो लीडर्स थे उनका इनपुट गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा था नई नई मशीन नई नई टेक्नोलॉजी जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही थी उस टाइम टैंक्स वगैरह बने उस टाइम जर्मनी और ब्रिटेन ये दो जो थी वो सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज थे और क्योंकि इस वजह से ये जो थे वो अपनी ज्यादा ज्यादा से जो स्पेंडिंग थी वो अपनी मशीनरी के ऊपर लगा रहे थे अपनी आर्म फोर्सेस को ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे सो so, इनके दरमियान जो था वो कॉम्पिटिशन चल रहा था जर्मनी वॉज कम्पीटिंग विद यूके टू बिल्ड बैटल शिप ठीक है दूसरा हमारे पास है जी अलायंस अलायंस या एग्रीमेंट्स हम कहते हैं या प्रोमिस होते हैं ताकि एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को डिफेंड करे एट द टाइम ऑफ वॉर वॉर के दौरान जो है ना एक कंट्री दूसरे कंट्री को जो है ना वो डिफेंड करता है ठीक है अब वैसे तो बहुत उस टाइम अलायंस हुए थे लेकिन जो दो मेजर अलायंस है जो आपने याद रखनी है सबसे पहला था 1882 के अंदर हुआ था जो कि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के दरमियान हुआ था ठीक है लेकिन बाद में इटली ने आफ्टर द वॉर जो था जब वॉर स्टार्ट हुई उसके कुछ मंथ के बाद ही उसने जो था ये यहाँ से ये अलायंस जो था वो खत्म कर दिया था दूसरा हमारे पास है ट्रिपल ऑनटर जो कि नाइनटीन के अंदर हुआ था जो फ्रांस रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान हुआ था ठीक है देन जी हम इंपेरियलिज्म की बात करते हैं इम्पेरियलिज्म क्या है ये हमारे पास है पॉलिसी ताकि दूसरे कंट्री कंट्री को पोलिटिकली इकोनॉमिकली या सोशली उस पर डोमिनेट करना एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर पोलिटिकली इकोनॉमिकली या सोशली डोमिनेट करना जब हम जब हम कॉलोनलिज्म की बात करते हैं वो इसकी प्रैक्टिस होती है ठीक है तो उस टाइम जो थी सारी जितनी भी ग्रेट पावर्स थी वो कलोनीज के लिए जो थी वो कंपीट कर रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम हम जितनी हमारी जितनी हमारी जो कलोनीज एक्सपैंड होगी जितना हमारा रीजन जो है वो एक्सपैंड होगा वो उतने ही स्ट्रांग होंगे सो so, उस टाइम के ऊपर जो थे वो सारे कंट्रीज जो थे वो न्यू टेरिटरीज के लिए ठीक है न्यू पोजेशन के लिए जो थे वो उनके दरमियान कॉम्पिटिशन चल रहा था और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनके दरमियान इसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रही थी जो कि इस वजह से इट बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर ठीक है लास्ट हमारे पास है जी नेशनलिज्म नेशनलिज्म जो है ये हमारे पास इज अ फीलिंग ऑफ डीप लॉयलटी टू पीपल एंड होमलैंड अपने लोगों के लिए लॉयल्टी की एक फीलिंग ये अर्ज कि हम इकट्ठे हों और हम फ्री हों इंडिपेंडेंस की फीलिंग अब इसकी जो हमें अच्छी एग्जांपल जो मिलती है उस टाइम के ऊपर वो है ऑस्ट्रिया हंग्रिया की अब जो ऑस्ट्रियन हंग्रियन एम्पायर था उसके अंदर जो थे वो सेम नेशन के लोग नहीं थे ठीक है डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट एथनिसिटी वाले लोग थे अब वहां उस टाइम पे कंफ्लिक्ट हुई के सर्बिया के एम्पायर और, और थे, थे वो वो के, के, के से जो थे वो छुटकारा पाना चाह रहे थे और वो सर्बिया के साथ मिलकर अपना जो था वो एक यूनिफाइड स्टेट बनाना चाह रहे थे ठीक है तो सारे स्लैविक पीपल थे और वो चाह रहे थे कि क्योंकि सर्बिया के अंदर भी स्लैविक पीपल है सेम एथन वाले लोग हैं तो हम

ऑस्ट्रिया-हंगेरियन का जो ड्यूक था फ्रांस आर्ग ड्यूक एक जो सर्बियन नेशनलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप था ब्लैक हैंड उन्होंने आर्गड को मारने के लिए जो था वो ग्रुप भेजा लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हुई उसके बाद एक सर्बियन नेशनलिस्ट था जिसका नाम था गवरीो प्रिंसिप उसने

सो so, ऑस्ट्रिया ने, ने हेल्प मांगी जर्मनी से क्योंकि इनका जो था वो पहले अलायंस हो चुका हुआ था सो so, जर्मनी uh, ने जो है वो रशिया के अगेंस्ट जो है रशिया एंड सर्बिया के अगेंस्ट जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दी ठीक है अब क्योंकि रशिया और फ्रांस का अलायंस हो चुका हुआ था जैसे हमने पढ़ा था जो 1907 में हुआ था सो so, फ्रांस ने जो है वो जर्मनी uh, के अगेंस्ट जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दी ठीक है इसको अभी थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा नेक्स्ट हम uh, देखते हैं इसको मज़ीद आपके लिए क्लियर होगा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं देखिए उसी टाइम के ऊपर जो है वो जापान का जो था वो अलायंस था ब्रिटेन के साथ लेकिन जापान जो था उसने जर्मनी के ऊपर अटैक किया ताकि वो उसकी पोजिशन को कंट्रोल कर सके ठीक है उसको टेरिटरी चाहिए थी इस वजह से जापान ने भी जर्मनी के ऊपर अटैक किया अब हम देखते हैं कि कौन सी जो, जो कौन से कंट्रीज जो थे वो आमने सामने थे जर्मनी एंड ऑस्ट्रा हंग्रियन इनका अलायंस था और दूसरी तरफ सर्बिया का रशिया का फ्रांस का एंड जापान का था ठीक है जपान so, कामनी uh, uh, जो ऑस्ट्रिया हंग्रियन अंपायर था उसने जर्मनी से हेल्प मांगी थी ठीक है जबकि सर्बिया ने रशिया से हेल्प मांगी थी रशिया ने फ्रांस किस से और जापान क्योंकि टेरिटरीज हासिल करना चाह रहा था सो so, जापान ने डायरेक्टली जो है वो जर्मनी से जो है ना उसको उस पर अटैक किया ठीक है बात करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन जो है उसने भी जर्मनी के ऊपर अटैक क्यों किया क्योंकि उस टाइम जर्मनी जो है वो उसके अगेंस्ट रशिया भी उसके अगेंस्ट था फ्रांस भी उसके अगेंस्ट था अब जर्मनी ने ये सोचा कि रशिया और फ्रांस की जो है वो कम स्ट्रांग है आर्मी सो हम पहले फ्रांस को पर अटैक करेंगे उसके बाद हम रशिया पर अटैक करेंगे सो जर्मनी ने क्या किया था उन्होंने अटैक किया था फ्रांस के ऊपर पहले और उन्होंने जो था स्टार्ट किया विद द अटैक ऑफ न्यूट्रल बेल्जियम और जब बेल्जियम के ऊपर अटैक अटैक हुआ, हुआ तो बेल्जियम और ब्रिटेन का जो था वो अलायंस था, था और जिसकी वजह से जो था ब्रिटेन ने भी जर्मनी के अगेंस्ट जो वॉर डिक्लेयर कर दी ठीक है उसके बाद लेट इन नाइनटीन फोर्टीन जो है ऑटमे ने उन्होंने रशिया पर भी अटैक किया उसके अगेंस्ट वो वॉर डिक्लेयर की उस टाइम पर जो यूएसए था जो यूनाइटेड स्टेट्स था उन्होंने कहा कि वो जो है वो न्यूट्रल रहेंगे ठीक है लेकिन आ, आ, 1917 के अंदर अर्ली अप्रैल के अंदर भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी ठीक है जब उनकी जो शिप थी अटलांटिक के अंदर वो अटैक की थी जर्मनी ने ठीक है सो so, अभी तक हमारे हमारे सामने क्या आता है कि जर्मनी ऑस्ट्रियन हंगरी ने एम्पायर और ऑटोम इनका अलायंस है और दूसरी तरफ सर्बिया है रशिया है फ्रांस है ब्रिटेन है यूएसए है एंड जापान भी है ठीक है जापान का क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर बहुत माइनर सा रोल है लेकिन क्योंकि इन्होंने भी जर्मनी के ऊपर अटैक किया था इसके अलावा जापान ने जो था जो अपने अलायस से उनके उनकी जो अलायस से उनके उनकी भी हेल्प की थी ड्यूरिंग द वॉर और वो एंड हुई 1918 एटीन नवंबर के अंदर वॉर जो है वो एंड हुई उस टाइम के ऊपर जो है वो एक इंफ्लुएंजा की जो डिजीज है वो शुरू हुई जिसने जो है वो ज, जर्मन और ऑस्ट्रेन हंग्रेन एम्पायर दोनों तरफ से दोनों के आर्मीज को जो है वो इफेक्ट किया और इस तरह से आहिस्ता है उन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो लूज करना शुरू कर दिया Then, फिर on November 11, 1918 के अंदर जर्मन, जो जर्मन उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और अपने आप को किया और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी अपनी नेवी जो है उस पर उन्हें, उन्हें, उन्हें करनी पड़ी और उन्होंने अपनी बहुत सी टेरिटरी जो है उनको वो देनी पड़ी ठीक है सो so, अब हम डिस्कस करते हैं जी कॉन्सिक्वेंसिस को सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर जो है वो किस तरह से इम्पेक्ट पड़ा सो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जितनी भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट uh, किया था उन्हें जो है वो बहुत उन्हें जो है बहुत जो है वो मनी कॉस्ट हुई ठीक है क्योंकि इस तरह से अगर आप बात करें जर्मनी की और ग्रेट ब्रिटेन की उन्होंने अपनी इकोनॉमी का तक, तकरीबन सिक्सटी परसेंट जो है वो स्पेंड किया था वॉर के ऊपर इसके अलावा ये था कि उस टाइम बहुत से लोग जॉबलेस हो गए इवन जो है वो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई जो गवर्नमेंट जो था वो आम आवाम से जो वो पैसे लेने शुरू किए

ऑटोमन एम्पायर है जिसमें रशियन एम्पायर है ठीक है नई कंट्री जो थी वो इन ओल्ड एम्पायर से जो बनी जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो वॉज कार्ड अप इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑस्ट्रिया हंगरी जब जब वो टूटा तो कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी रशियन और जर्मनी ने जो है वो पोलैंड को अपना लैंड दे दिया इसी तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज थी और वो हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में आई इसी तरह से जो ऑटोमन एम्पायर का जो हिस्सा बचा उसको जो है आज हम टर्की कहते हैं ठीक है देन जी हम बात करते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसिस की सो आफ्टर द वॉर जो है वो सोसाइटी कम्पलीटली चेंज हो गई थी बर्थ रेट जो था वो बहुत कम हो गया था क्योंकि मिलियन ऑफ यंग मैन जो थे वो uh, जो है दे लॉस दे लाइफ इसी तरह से Uh, जो सिविलियन जो थे उन्होंने अपने जो दे लॉस एयर होम्स और उन्होंने दूसरी एंड दे देख टू द अदर कंट्रीज ठीक है इसी तरह से जो रोल ऑफ वुमेन था वो चेंज हो गया था क्योंकि वुमेन जो थी अब वो फैक्ट्री में काम कर रही थी उन्हें मर्दों की नस्बत ज्यादा जॉब मिल रही थी उस टाइम के ऊपर उसके बाद उन्हें वोट का राइट भी दिया गया इसके अलावा ये था कि अपर क्लास जो था उनके एक लीडिंग रोल था सोसाइटी के अंदर वो भी जो था वो लॉस उनका हुआ ठीक है अब जी हम इस डेडलीस्ट कंफ्लिक के लॉस की बात करते हैं सो so, इस आ, आ, जो है वॉर के अंदर अराउंड 41 टू तो 40 जो थे आ, वो लोग इन्वॉल्व थे जिसमें मिलिट्री भी और सिविलियंस भी थे और 20 मिलियन इसमें से जो थे दे लॉस दियर लाइव और 21 मिलियन जो थे वो जख्मी हुए ठीक है उसमें आ, जो डेथ्स जो थी जो इसमें जो मिलिट्री के लोग जो जिनकी डेथ हुई थी वो थे 9.7 मिलियन और 10 मिलियन लोगों ने जो थी दे लॉस दियर लाइफ्स ठीक है और जो हमारे पास अलाइज पावर थे उनकी तकरीबन पांच इशारिया सात मिलियन जो सोल्जर्स थे वो लॉस्ट हुए थे जबकि सेंट्रल पावर के जो थे वो चार मिलियन लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट थैंक यू सो मच